और कोपन नंबर है 21585 और ये है नसीब टेडर जड़ा वाला। हे दिल छोड़ आया, एक मोड़ आया। और दोस्तों दूसरा मोटरसाइकिल का खुश नसीब है, कोपन नंबर है 21663 आतिफ टेडर जड़ा वाला। मैं निकला हो गाड़ी लेके और रास्ते में ओ सड़क पे एक मोड़ आया, मैं उते दिल छोड़ आया, एक मोड़ आया, मैं उते दिल छोड़ आया। ओ कब जाने ओ अमृतसर, ओ कब जाने। और दोस्तों ये तीसरा खुश नसीब है गोल्डन कोपन का 21648 जड़ावाला का आसिफ शफी। हे जी जड़ा वाला के आसिफ साहब आपका है सर, आइए तशरीफ लाएं और इनका पीछे बैकड्रॉप करके इनका एक ग्रुप फोटो बनाइएगा सर आप भी, आप ठीक है ताकि। और दोस्तों अगला मेरे पास उमरा है गोल्डन कोपन का दो अदद मेरे पास गोल्डन कोपन के जी उमरा है मेरे पास और जी दो अदद उम्र है गोल्डन कोपन के और गोल्डन कोपन का जी आप जी बिल्कुल गोल्डन कोपन का सर एक एक कोपन ले ले, इधर से आ जाए आई साहब, इधर से आ जाए एक कोपन इनसे ले ले और ये उम्र देने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोहम्मद हाशिम साहब से ZSM में हमारे बी रेंज के और सलाउद्दीन साहब हमारे ZSM सी रेंज के। सर आप दोनों हजरात तशरीफ ले आए, एक एक उम्र आपने देना है। ये खुश नसीब है उम्र के लिए गोल्डन कोपन का ये उम्र और ये खुश नसीब का नाम है 21817 मिस्टर सिंह टेडर ननकाना। शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, यसरब के वाली सारे नबी तेरे बन के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना। और शायान सर बॉस की जरा वो रेडी कर लें ताकि वो फिर मुझे बताइएगा आप ठीक ओके। और दोस्तों अगला खुश नसीब है कूपन नंबर 21297 कहाँ का हो सकता है, मैंने कोपन नंबर बता दिए अगर आप की थोड़ी सी जी कौन सा इलाके का जी जी नहीं जी नो जी मैं फिर दस रहा हूं कोपन नंबर 21297 शहर दस दो नो यार 13 टाउन ने तुसी जी नो नो बुचेगी नो बुचेगी नहीं नो नो शाकूट नहीं यार मैं हैरान हाँ 13 टाउन ने तुहाडे। और ये है
कल आके जनरल स्टोर झुमरा। तेरे ही दम से दुनिया बनी है, नीले पलक की चादर तनी है। तेरे ही दम से दुनिया बनी है, नीले पलक की चादर तनी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपका, और थैंक यू सो मच मेरी इस खूबसूरत टीम का और इस टीम के खूबसूरत लोगों का। और इन्होंने बेहतरीन फैसलाबाद के इस क्वींस मार्की में बेहतरीन एहतमाम किया, अली मुर्शद और उनकी टीम का। हमें फ़ख्र है कि जब भी हम शो करने के लिए आते हैं तो ये टीम दो तीन दिन पहले एक एक चीज़ को लिस्ट डाउन करती है और उसके इम्प्लीमेंटेशन कराती है। दैट्स वेरी गुड, इज अ कीप इट अप, वेल डन जॉब गोल्डन पल टीम, द आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर्स। और द क्रेडिट गोज टू अली मुर्शद, इज अ वेल डन, खूबसूरत मूछों के साथ सांवला सलोना प्यारा सा नौजवान, और इज अ वेरी हार्ड वर्कर पर्सन जो ना रियली शायान, मैं सच कह रहा हूँ। एक क्लैप तो बनती है मेरी इस टीम के लिए, मैं दिल से बजाइएगा। ये सलमान वाला दिल ना हो पिंडी वाले, ये दिल से एक भरपूर क्लैप मेरी इस टीम के लिए। जी थैंक यू सो मच। और जी सर, ये हमारे 13 टाउन, हमने आपने देखा कि आपके सामने हमने कूपन डाले, रेगुलर, फिर सिल्वर, फिर हमने गोल्डन, फिर हमने रेगुलर निकाले, फिर हमने सिल्वर निकाले, फिर हमने गोल्डन। तो हमारी कोशिश है कि साफ और शफाफ होना चाहिए क्योंकि ये अमानत है। और फिर भी आपसे बार बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप देखते रहिए, आप हमें वॉच करते रहें, और आपके एसोसिएशन के साथ हमने काम करना है। गलती मुझसे भी हो सकती है, तो आज के प्रोग्राम के बारे में कहेंगे गोल्डन पर्ल, क्योंकि अब थोड़ा सा हट के एक मल्टी नेशनल डगर पे एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से प्रोग्राम करता है। हमने बहुत सारे वो सारे प्रोग्राम किए, आपका हमारा 20 साल 22 साल का पहले दिन से आप हमारे साथ हैं। जी बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है जी, बहुत अच्छा लगता है जी, माशाल्लाह जी बहुत अच्छा है। भाई साहब से, जी सर क्या कहेंगे? गोल्डन पर एक नाम है जी, ते बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ते आगामी इंशाल्लाह मजीद अच्छा काम करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाय साहब ने कुछ कह दिया ते की लग देने तुम्हारे वाले साहब ने ना, लेकिन उन्होंने तो कह दिया। हम नौजवान कयादत से भी पूछना चाह रहे हैं ना, ठीक है? तो आप क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में? अच्छा लगा, सिस्टमेटिकली था, नीट एंड क्लीन था, सारी चीज़ें आपको समझ आई। आपकी आसानी के लिए हमने राइट लेफ्ट पे कूपन भी अवेजा किए हुए, लाइव भी हम दिखा रहे हैं, खुद भी अनाउंस कर रहे हैं, हमने कैमरा भी लगाया हुआ है उसमें भी हम आपको लाइव दिखा रहे हैं तमाम चीज़ें, ताकि कोई अभाम ना रह जाए, कोई तिश्नगी ना रह जाए। तो आप क्या कहेंगे नौजवान आदमी, आपके अपने जज्बात क्या हैं? वो तो हमारे क्लास फेलो हैं जी। गोल्डन पर्ल हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी बड़े साफ और शफाफ तरीके से कुरानदाजी करवा रही है, और यही इसका मियार है, और यही साथ लेके चलते हैं छोटे कस्टमर को भी और बड़े कस्टमर को भी, डिस्ट्रीब्यूटर को भी। और ये अली मुर्शद को बहुत क्रेडिट जाता है जो इतनी साफ और शफाफ मैनेजमेंट करते हैं। ये वेरी गुड, आप मैं कहता हूँ क्या बात है, इमरान खान आते ही आपको मिलेगा क्योंकि मैं इधर आ रहा हूँ। सर आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ आज के प्रोग्राम के बारे में, कोई आपकी राय, कोई मशवरा,
गोल्डन पल के ब्रांड के बारे में, क्वालिटी के बारे में कुछ आप कहना चाहें, प्रोग्राम के बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी। सर ये है कि माशाल्लाह गोल्डन पल बहुत अच्छी ब्रांड है एक, अल्लाह ताला इनकी कारोबार में मज़ीद ज़्यादा बरकत डाले, और ये शुरू से प्रोग्राम भी अच्छे करते हैं और इनके जो है ना ब्रांड्स भी बहुत अच्छे हैं, अल्लाह ताला इनमें मज़ीद बरकत डाले। क्या बात, ब्रांड भी बहुत अच्छे हैं और नीयतों पे होता है सारे अमलों का दारो मदार, और शेख आबिद महमूद साहब की नीयत इतनी अच्छी है और अल्लाह उस पर इतना मेहरबान है। वो पंजाबी में उनसे कोई बात कहे ना, कोई चीज़ कोई कोई चीज़ तो वो कहता है होर ले ले, होर ले ले, जैसे तो फिर ख़ास रहमत हो जाती है जब आदमी की अदाई ऐसी हो कि होर ले ले तो कोई मसला नहीं। तो सर क्या कहेंगे आप आज के प्रोग्राम के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त, बहुत नाइस है। मैं छोटा सा दुकानदार हूँ, मेरी गारमेंट्स की शॉप है, साथ में कॉस्मेटिक सेल करता हूँ, और वेरी फर्स्ट टाइम। और माशाल्लाह आप देखने से ये लग रहा है कि गारमेंट्स को क्लोज करें, इसको पूरे तरीके से ऊपर लेके जाएं। बहुत इंजॉय किया है, बहुत मज़ेदार प्रोग्राम है, और सबसे अच्छी बात जो ये लगी है कि उमरे का टिकट है। क्या बात है माशाल्लाह, उस पाक दर की ज़ियारत करनी, क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। और कार के लिए तैयार है? कार के लिए जी, किस किस के दिल में, कौन है जरा हाथ खड़ा करे, कार के लिए कौन तैयार है जी? कार के लिए तनु साइकिल चाहिए कि रौड़ा की है, या हर खाबे है जी? देखो सारे ने हाथ खड़ा किया है, वो जो है ना हाई साहब तुसी भी क्या कार मैं चाहिए है। ए नाल जड़ा नज़र वटू पाया है, एक हाथ ही नहीं चुक रहा बेटा, की दर्द है हाथ च, तो फिर क्यों कार क्यों नहीं चाहिए तेनू? चाहिए है ना, तो चल हाथ खड़ा कर। ये जड़ा हाथ खड़ा किया है, हाथ थले कर, फिर उत्ते कर, या उत्ते थले कर लेंदा है। थैंक यू, सलामत रहे मेरा बच्चा। जिंदगी मुस्कुराहटों का नाम है, और मुस्कुराना ही तवील जिंदगी की अलामत है। अपनी ज़िंदगी में अपनी मुस्कुराहटों को, अपनी खुशियों को ना भूलें। आप कोई भी काम करें, कुछ भी फंक्शन करें, कहीं भी कितनी भी मेहनत करें, लेकिन सबसे पहले आपका हेल्दी होना, आपका सेहतमंद होना, आपका तंदुरुस्त होना। आप अपनी फैमिली के लिए रात दिन, सर्दी है, गर्मी है, आंधी है, तूफान है, उसमें काम कर रहे हैं, बड़ी टफ ड्यूटी है आपकी। आप यकीन करें 24/7 दुकान पर बैठना, गोदाम में बैठना, डिस्ट्रीब्यूशन में बैठना एक हैक्टिक जॉब है, लेकिन काबिले सताइश है, काबिले फ़ख्र हैं आप लोग कि आप इतनी ड्यूटी किसके लिए दे रहे हैं? अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए। और जहां आप इतना टाइम दे रहे हैं, वहां थोड़ा सा टाइम उनकी इंटरटेनमेंट के लिए भी उनको ज़रूर दें, ये बहुत ज़रूरी है। और जी सर ओके हैं। और दोस्तों अभी जिस शख्सियत का मैं ज़िक्र कर रहा था, मुझे अभी शायान सर ने बताया कि सर आ गए, शेख आबिद महमूद साहब ख़ुद तशरीफ़ ला रहे हैं इतनी मसरूफियत के बावजूद। तो मैं चाहूँगा फैसलाबाद के प्यारे लोगों, आप बहुत प्यार करते हैं, अच्छे क्वालिफाइड पढ़े लिखे बिजनेसमैन लोग हैं, और जब कोई किसी के घर मेहमान आए तो उसको इतने दिल की गहराइयों से वेलकम करें ताकि उसे पता लगे कि फैसलाबाद गया था, और भरपूर तरीके से उन्होंने वेलकम किया। तो तमाम दोस्त हमको खड़े होकर वेलकम करेंगे प्रॉपर तरीके से, और मेरी टीम भी रेडी हो जाए, जहाँ जहाँ मेरी गोल्डन पल की टीम है और मेरी अपनी टीम भी, मेरे म्यूजिशियन, मेरे बैंड, मेरे सिंगर और तमाम लोग रेडी हो जाए, और हम उनको अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा शख्स जिस पे अल्लाह की ख़ास मेहरबानी हो, जैसे माँ प्यो कहते ना कि चंगे मुंडिया नाल खेडिया कर, खबरदार इन्हों नाल बैठे थे, इन्हों नाल बैठ, इन्ना अच्छे लोगों नाल बैठ, इन्ने प्यारे लोगों नाल बैठ। तो ये है कि जब हम किसी अच्छे कारवां के साथ मिल जाएं, तो फिर रहमतें सब पे वो नाजिल होती हैं। तो आज के हमारे इस तकरीब के जो रूह रवां हैं, जनाब शेख आबिद महमूद साहब और उनके तमाम रफ़क़ाए कार, उनकी फैमिली के, उनके बड़े भाई
और उनके चार पांच उनके फैमिली के लोग हैं जो उनके साथ हैं, और मैं क्योंकि उन्होंने इशारा किया कि तमाम लोग साथ हैं, तो मैं चाहूँगा कि जैसे हाजी गुलशेर साहब हैं, हाफिज साजिद महमूद साहब हैं और तमाम लोग हैं, भरपूर तालियों में इस्तकबाल करते हैं गोल्डन पर्ल कॉस्मेटिक्स के। उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, आपरी 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 तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी, आपरी 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 उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, आपरी 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 तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी, आपरी 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 उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों में जादू कोई, जिस्म नगमा कोई जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे मचलती हुई रागनी, जिस्म जैसे महकती हुई रागनी, जिस्म जैसे पहली किरण, जिस्म जैसे के सूरज की पहली किरण, जिस्म तरशा हुआ दिलकशा दिलकशी, संदली संदली मरमरी मरमरी, उसने जाना की तारीफ मुमकिन है, उसने जाना की तारीफ मुमकिन है, उसने जाना की थैंक यू हमजा अली, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फैसलाबाद के 13 टाउन, प्यार करने वाले मोहब्बत करने वाले बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ममनून हूँ जनाब शेख आबिद महमूद साहब का, जनाब हाफिज साजिद महमूद साहब इतने सोने लग रहे हो, तुहानू वजीर आजम होना चाहिए है, ए भी फैक्ट्री है, ए मुल्क भी एक फैक्ट्री है, ये जिन्होंने काम खराब किया है ना वो तुहानू पता है जी, यह कोई मजाक नहीं। और हाजी गुलशेर साहब बड़े भाई हैं, शेख आबिद महमूद साहब के हाफिज साहब बड़े भाई हैं, सलीम साहब, मनान साहब और तमाम मुअज्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, और मैं आप लोगों का बहुत ममनून हूँ कि आप तशरीफ़ लाए, और हर ड्रामे आ रहे हैं, लोग पूछते हैं, प्यार करते हैं, ख्याल करते हैं और बहुत खुश है। और एक बार फिर वही बहारें, एक बार फिर वही सारे सितारे इकट्ठे हो गए हैं जो इब्तदा में जिन्होंने इस कंपनी की बुनियाद रखी, इस कारवां की बुनियाद रखी, थैंक यू सो मच। और दोस्तों इस खुशी के साथ मेरे पास जो सेगमेंट है वो भी खुशी का है, सो इंटरटेनमेंट का सेगमेंट है मेरे पास, और पाकिस्तान के सुपरस्टार यहां पर मौजूद हैं, आप उनको देखते हैं पाकिस्तान के तमाम टेलीविज़न पर,
जो कोई भी कॉमेडी प्रोग्राम है इस वक्त पाकिस्तान के हर टीवी स्टेशन पर एक ज़बरदस्त किस्म का एक कॉमेडी प्रोग्राम चलता है जिसमें ये सारे सितारे मौजूद हैं। सबसे पहले मैं बुलाना चाह रहा हूँ, ज़रा तैयार रहें,